हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V29e एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है हैंगिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है कभी भी अगर हैंग करता है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पर टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हैंग करता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना यह है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है इन सभी ऐप्स को आपको रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट कैसे करेंगे, देखिए किसी भी ऐप को आप उंगली से दबा के रखिए, एक छोटा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ना ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल के अंदर आई बटन बना होगा उसे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले तो क्लियर कैच पे टैप करना है, तो नीचे की साइड आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट का बटन या ओके का बटन दिखेगा, इसे टैप करना है। तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर देना है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स के जो है नोटिफिकेशन भी आपको बंद कर देने। ठीक है, नोटिफिकेशन बंद करने के लिए आपको जो है ना इस वाले पेज में आना है, ऐप इन्फो के इस वाले पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच के ऊपर ये ऑप्शन दिखता है नोटिफिकेशन का, इसे आपको टैप करना है। अगर ये ऑल नोटिफिकेशन के सामने वाला बटन अगर आपका ये चालू है तो इसे आपको बंद रखना है। ठीक है, ब्लैक कलर में बंद रखना है। तो इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन भी आपको बंद कर देने हैं, आपको सिर्फ उन्हीं ऐप्स के नोटिफिकेशन चालू रखने जिन ऐप्स के नोटिफिकेशन की जरूरत है, बाकी सबके बंद कर देने। ठीक है, इससे आपके फोन की हैंगिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन का जो सिस्टम है उसे आपको चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं आप कैसे चेक करेंगे, देखिए इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ना ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, ये वाला, इसे टैप करना है। तो आपको सिस्टम अपडेट के इस पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है उसे टैप कर देना, आपके फोन के सिस्टम का अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है ना इन सभी ऐप्स को भी आपको अपडेट कर लेना है अपने प्ले स्टोर में जाके। ठीक है ना, कैसे करेंगे, देखिए प्ले स्टोर ओपन कीजिए, इसके अंदर आपको सबसे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर टैप करनी है। अब यहां पर आपको मैनेज ऐप पे टैप करना है, इसके अंदर आपको अपडेट अवेलेबल का ऑप्शन के नीचे आपको सी डिटेल पे टैप करना है। तो यहां पर आपके जो भी ऐप्स अपडेट में पेंडिंग है वो यहां पर आपको दिख जाएंगे और यहां से आप उन सभी को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते तब आपको रीसेट करना है फोन को, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, रीसेट करने के लिए सेटिंग पेज ओपन करिए फोन का, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी फोन दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने सॉल्यूशन आपको बताया ना सारे आप यूज करिए तो आपके फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।